इंस्पेक्टर ये बहुत बोल रहा है, इसे पार्टी में भेज। वो तो ठीक है मगर किस चार्ज के तहत? देखो क्या आप भी मेरी तरह रिजर्वेशन का लाभ उठाना चाहते हैं? आज ही बदलिए अपनी जाति, चढ़ी कीजिए अपनी छाती। अरे अरे 5 साल के बच्चे बन गए दोबारा। बाहर तेज वाली धूप है, अंदर बेकार वाली मनहूसियत, मगर आज कुछ खतरनाक करने की है हमारी नीयत। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिब मदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल एंड खान, आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। क्या क्या करना पड़ता है इस पापी दुनिया के लिए? तो जल्दी से अपने सिंहासन पर बैठकर आपसे गुफ्तगु शुरू करते हैं। बात तो सिर्फ यही 10-12 साल पहले की है, मैं ज्यादा पीछे क्यों जाऊँ? 10 या 11 या 12 ऐसे कुछ उम्र का था तो मेरा एक शौक था एक्टिंग करने का। मतलब मुझे थिएटर ग्रुप ज्वाइन करना था या फिर स्टेज परफॉर्मेंसेस करने थे, तो इसकी वजह से मैं चाहता था मैं कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर लूं जिससे मेरी एक्टिंग स्किल्स जो है एनहांस हो जाए। ख्वाब मेरे दिमाग में चल ही रहा था, मैं इधर उधर दिमाग दौड़ा रहा था, फिर अचानक से मेरा AMU में एडमिशन हो जाता और मैं वहाँ पे पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता हूँ, मगर मैं बहुत परेशान रहता हूँ। मेरी अप्पी मेरी परेशानी देखकर मुझे सजेस्ट करती है कि AMU में भी ड्रामा क्लब है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का खुद का एक समझ लो थिएटर ग्रुप है, यहाँ पे थिएटर रिलेटेड परफॉर्मेंसेस होती है, वर्कशॉप दिए जाते हैं, लोगों की एक्टिंग स्किल्स इनहेंस कराते हैं और फिर अच्छे खासे वहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंसेस भी होते हैं। प्लान करते कराते मैं जाता हूँ वहाँ पर ऑडिशन देने के लिए। मैं ऑडिशन गया था देने, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है सितंबर या अक्टूबर। तो जब मैं ऑडिशन देने के लिए जाता हूँ, मैं वहाँ क्या देखता हूँ, 4-5 हट्टे कट्टे खतरनाक लोग और एक उसमें मोहतरमा भी थी, तो वो ऑडिशन के लिए बैठे रहते हैं। उन्हें एक ऐसा काला चश्मा लगा कि भाई साहब वो दुबई से आए हुए थे, नावेद भाई था उनका नाम, वो भी ऐसा भौकाल में बैठे थे। क्या रे तुम एक्टिंग करने का रे? हैं चल क्या देखेगा, पेश करना रे, तू दिखा ना। मैं देखेगा, मैं एग्जैजरेट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा ही था कि वो बैठे थे तैयार थे कि आओ दिखाओ। अब वक्त तुम्हारे पास है, तुम अपनी कलाओं को दिखा। लिखने में मेरा हाथ बहुत पहले से ही साफ था, तो मैं एक मोनोलॉग तैयार करके गया था, तो मैंने वो उनको सुना दिया, आई मीन चिपका दिया, वो भी चिपक गए खतरनाक तरीके से चिपक गए। फिर कहे ठीक है जाओ तक लिया। फिर वो मुझसे पूछते हैं AMU ड्रामा क्लब में अगर तुम चाहते हो मेंबर बनने के लिए तो तुमको कुछ शर्तें और नियम को लागू नियम और शर्तें अपनानी पड़ेंगी, पूरा पूरा करना पड़ेगा। तो हमने भी कहा जी मालिक कर देंगे। पहली शर्त तो यह है कि देखो कभी कभार मजबूरन में तुमको झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, चाय वाय भी देनी पड़ेगी, खानी पड़ेगी सीनियर लोगों के लिए। और तो और प्रतिष्ठा मान मर्यादा इस पर कभी आंच नहीं आनी चाहिए। मैं भी कहा ओके इट्स लाइक गुरुकुल, मैं गुरुकुल ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसे वो शुरू में करते हैं डराने के लिए, देख लें कि सचमुच में कोई आया है काम करने के लिए टाइम पास करने के लिए। वो ऐसे करके चेक करते हैं, झाड़ू लगाना पड़ेगा, चाय सर्व करनी पड़ेगी, रिहर्सल्स के वक्त में आपको लेट हो सकता है, रात के 1 बज सकते हैं, 2 बज सकते हैं, कभी पूरी सुबह हो सकती है, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तो ये सब बताते हैं वो लोग, चेक करते हैं। मैंने कहा ठीक है मैं करेगा, सब करेगा, मेरे को सिर्फ वर्कशॉप मांगता है, आप मेरे को जो है थोड़ा मेरा एक्टिंग जो है उसको रिफाइन कर दो। तो मैंने ये सब चीजों पर हाँ कर दिया कि ठीक है मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करूंगा, जहां जहां पे जरूरत वो भी काम करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, इसका जो ऑडिशन हुआ इसका जो रिजल्ट है वो कुछ दिनों में आ जाएगा, आउट हो जाएगा, हम बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा देंगे। ऑडिशन होने के बाद मैं जब अपने रूम पर जाता हूँ हॉस्टल में, उसके बाद मैं उस दिन का बेसब्री से इंतजार होता हूँ कि कब रिजल्ट अनाउंस होंगे। तो काफी दिनों के बाद वो लिस्ट आती है, मतलब हफ्ते 2 हफ्ते के बाद, देख के मेरे होश उड़ जाते हैं भाई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा कुछ हो सकता, मगर अल्लाह की भी मर्जी रहती है, कैसी कैसी मर्जियां रहती है यहाँ मेरा को पता ही चाहिए। तो मैं देखता है मेरा नाम टॉप पर रहता है, मैं कहा नहीं ऐसा परफॉर्मेंस दिया रे माई, मेरे से इतना खुश हो गया है लोगा, मेरे को फर्स्ट रैंक पे डाल दिया रे, मैं बहुत खुश हुआ रे बाबा उस दिन, मैं अल्लाह को शुक्रिया अदा किया। हालांकि मैं नमाज वगैरह उस वक्त नहीं पढ़ता था, मैं सिर्फ अल्लाह को एक कॉन्सेप्ट से बिलीव करता था कि उसने मुझे बनाया है, मैं मरूंगा तो मेरा हिसाब किताब लेगा, बाकी उसके फराइज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इससे मुझे कोई लेना देना नहीं था, मैं उस वक्त कुछ नहीं जानता था इसके बारे में। फिर भी मैं अल्लाह से कनेक्ट रहता था, दुआ करता था, मिलती थी तो शुक्रिया अदा करता था, कुछ बुरा होता था तो अल्लाह से बहस भी करता था, शिकवा भी करता था मैं। जुरत आमोज मेरी ताबे सुखन है मुझको, शिकवा अल्लाह से खाकम बदहन है मुझको। तो खैर जब मेरा सिलेक्शन हुआ मैं बहुत खुश हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। उस ऑडिशन के बाद एक और ऑडिशन होता है, टीम बना दी जाती है 20-20 लोगों की आई थिंक ऐसी कुछ रहती है, और उसमें बोलते हैं कि आप जो है लिखो, डायरेक्ट करो, डायलॉग्स लिखो, सब कुछ अच्छे से करो, मतलब एक अच्छी परफॉर्मेंस देकर दिखाओ, उसके बाद फिर फाइनल वाली सिलेक्शन लिस्ट आएगी। मैं उस वक्त लिखने में इतना आगे था ना, मैं उस वक्त धड़ाम से एक लिख के तैयार कर लेता हूँ स्क्रिप्ट, और अगले दिन जाके वो जो टीममेट्स रहते हैं उनको मैं दिखाता हूँ कि देखो मैंने लिखा, वो लोग मान भी लेते हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी का काम था ना, और कोई तैयार भी नहीं किया होता, तो मान लेते हैं, ठीक ठाक हो जाता है। फिर वो परफॉर्मेंस हम उनके सामने पेश करते हैं, उसमें वो बोलते हैं कि लोगों ने अपने कैरेक्टर छोड़ दिया, हमें उस वक्त पता नहीं रहता ना, हमें क्या लगता है हम अपना डायलॉग बोलने के बाद अपना कैरेक्टर छोड़ देते हैं आमतौर पे। उन्होंने सिखाया, जो वहाँ के सीनियर्स थे ड्रामा क्लब के, उन्होंने सिखाया कि आप कैरेक्टर नहीं छोड़ सकते, आप जब तक स्टेज पर हो भले आपके डायलॉग्स खत्म हो गए, थ्रू आउट द प्ले आप उसी कैरेक्टर में रहने का है। तो वो चीज मैंने सीखी। हमारा मतलब है कि बताइए आपके पिताजी की उम्र क्या होगी? उम्र तो नहीं पता,
मगर हाँ अच्छे खासे तंदुरुस्त अपनी चार टांगों पर सब्जी मंडी में घूमते थे। चार टांग? अरे इंसान ही थे या फिर ये होने के बाद फिर दूसरी लिस्ट आने का वेट होता है कि अब देखें भैया अब क्या होगा। मसला तो यहाँ पे खड़ा होता है। फाइनल लिस्ट क्या आती है मैं देखता है उसमें तो और बवाल हो गए। फिर से मेरा नाम टॉप पर रहता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गए अब। मगर उस वक्त मुझे उतनी ज्यादा खुशी नहीं होती है। दोनों में मेरा नाम टॉप पर रहता है सिलेक्शन लिस्ट में। फिर मैं क्लब ज्वाइन करता हूँ। क्लब ज्वाइन होने के बाद नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए जाते हैं मुझे। नहीं होंगे तो क्या कर लोगे? कर क्या लोगे? बहुत कुछ कर लेंगे। वहाँ पे क्या रूल था कि यहाँ पे जो है सबको बराबर समझना है। ये नहीं करना कि अगर किसी को डायरेक्टर बना दिया, असिस्टेंट डायरेक्टर बना दिया, ये बना दिया तो उसके अंदर घमंड जाना चाहिए। सब बराबर है। टीममेट से सीनियर की इज्जत करनी है, जूनियर को जूनियर बन के रहना है। और दूसरा वहाँ का रूल था कि वहाँ पे कोई लौंडियाबाजी नहीं करे, कोई खुराफाती काम नहीं करे। वहाँ पे सिर्फ जाएंगे दोस्त भाई बहन इसी की तरह, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना क्लब के अंदर। हालांकि आपको भी पता है कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन जहाँ रहते हैं फिर भी वहाँ पे उन रूल्स का फालूदा निकलता है। मैंने नहीं किया समझे गुलाब जामुन। मैं भी नहीं बोलता कि मेरे अच्छे खासे जो दोस्त है उन्होंने किया। उसकी पोल खोलने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हुआ। बस मैं बता रहा हूँ कि रूल्स एंड रेगुलेशन होने के बाद भी वो चीजें वहाँ पर होती थी। और फिर तीसरी चीजें हेल्प करना है एक दूसरे की किसी भी चीज में, परफॉर्मेंसेस से रिलेटेड नहीं। अगर पर्सनल लाइफ में भी किसी की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम है, उसका साथ देना है। अच्छे भी रूल्स थे और बुरे भी रूल्स थे वहाँ पे, कुछ ऐसे जो टकराते थे आपके जमीर से। सब अच्छा चल रहा था। मैं वहाँ पे रोज जाता था, डेली जाता था। मेरे दोस्त भी बन गए वहाँ पे, अदनान नाम का, कौनैन नाम का, अशरफ नाम का, जो आज भी मेरे टच में है। वहीं से मेरा स्टार्ट भी हुआ। मेरा एक दोस्त था, जाता था नमाज पढ़ने के लिए। कुछ लड़कियों में से थी वो नमाज पढ़ती थी, मगर मैं उसको ध्यान ही देता था। मेरे लिए कोई बड़ी बात थी नहीं। मैं लड़के भी कभी कभार पढ़ते थे, मगर एक लड़का था वो जाता था। वो मेरा दोस्त था अशरफ। वो जाता था नमाज के लिए और लोगों से पूछता था, लोग उसको मना करते थे। ऐसे ही एक वक्त था, एक भाई का, उस क्लब में एक भाई का बर्थडे था। तो हम लोगों को पार्टी देने के लिए बुलाए थे 2 या 3 किलोमीटर दूर कैंपस से। हम लोग अंबेडकर हॉस्टल के सामने एक रेस्टोरेंट टाइप का था, वहाँ पे पार्टी के लिए गए हुए थे, बर्थडे पार्टी के लिए। एमयू के हर हॉस्टल में आपको मस्जिद मिल जाएगी। नमाज का वक्त हो जाता है, अशरफ बोलता है चलोगे? कोई नहीं जाता उसके साथ, मगर मैं कहता है यार बेचारा अकेले यार, तो मैं उसका साथ देने के लिए चला जाता हूँ नमाज पढ़कर। उस दिन से मैं लेस डिफेंसिव हो जाता हूँ नमाज के लिए। फिर इधर एक्टिंग का भी काम चल रहा था, मैं नई नई चीजें सीख रहा था रोजाना वर्कशॉप में। चलो अपना बदनाम नाम बताओ। मेजरीवाल, अपना टाइम आएगा। मेजरीवाल ये कैसे झाड़ू मार रहा है? कुछ बोला इंस्पेक्टर साहब? हाँ वो कोई फोटो वोटो है तुम्हारे पास? हाँ है ना, चलो टेल योर चैनल कर रहा है। धट साले तेरी नहीं तेरे पैसों की, अपना तेरे पैसे मैं कैसे पहचानूंगा? तो नहीं है साहब, आधे मुंह फाड़ ले। कुछ उसकी यादें हैं वही रह जाएंगी तेरे जैसे के पास। चाय 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 कल्लू ढीले चाय बड़ा। पिछले 5 सालों से चाय पी रहे हो, अब तो हमारा हिसाब कर दो। साले ज्यादा मुंह ना फुला वरना यही छेद देंगे। तुम्हारी इतनी औकात हमसे पैसे मांगोगे? सॉरी साहब। चल हफ्ता निकाल हफ्ता, वरना तेरी चाय की दुकान चीन में शिफ्ट करवा दूंगा। फिर वो 4 पुतला दोनों बनाते फिरना। मुंह क्या बना रिया? हट हट हट। फिर आता है वहाँ पे एंसेंबल। तो 2019 का एंसेंबल आने वाला रहता है। टीम्स बनती हैं अलग अलग, सारी टीम्स के कंपटीशन होते हैं स्टेज पे, बॉलीवुड से या शॉर्ट फिल्म इंडस्ट्री से या फिर वेब सीरीज वाली इंडस्ट्री से। वहाँ से एक्टर्स आते हैं, वो होस्ट भी करते हैं। हम लोग के परफॉर्मेंस होने वाले थे एंसेंबल की, तो हम लोग प्रिपरेशन में लगे। हमारी टीम्स बट गई। मेरी टीम में अदनान, कौनैन, अशरफ किस्मत से आई गए। सिस्टर थी फरवा, माहिरम नाम की सिस्टर थी, ये सब सिस्टर्स भी थी। अच्छा था, अच्छी टीम थी। एक सेकंड क्या हो रहा है ये? क्या कहना चाह रहे हो? कोई नहीं बैठा, आप बताइए। 1 मिनट यहाँ बैठ जा। एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी स्मूथ। अरे 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 अदनान, आर यू फीलिंग लाइक अ जलपरी? यस। मैं बीच बीच में आपको क्लिप्स भी दिखाऊंगा जो हम लोग प्रिपरेशन करते थे। आ दो मिनट जी, और फन सारी है खालिया है चाह और है और बंबानी नाडानी नहीं है नहीं है, है। उसका लिमिटेड एडिशन था, अभी आउट ऑफ स्टॉक है। इसके लिए आपको अगले साल ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। और हाँ लगाना। अरे भाई कुछ ऐसा दे दो जिससे काम फटाफट हो जाए। अरे तो यार नोदी रह लो, हवाई हवा में तुम्हारा काम हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। फिर मैंने इसी में स्किट्स भी लिखे। स्किट लिखते वक्त मैंने कौनैन का साथ लिया था। मैंने मोनो एक्ट जो है खुद से लिखा पूरा का पूरा। फरवा और जो हमारे टीम के कैप्टन थे आमिर अजहर भाई, उन्होंने एक प्ले तैयार किया हिटलर के ऊपर था। तो सब कुछ उस वक्त एकदम बढ़िया चल रहा था, सब प्रिपरेशंस वगैरह हो रही थी। नवनीत एक्सप्लेन दिस फैशन चॉइस, एक्सप्लेन दिस फैशन चॉइस। नाउ द डे इज कम।
जब हमारे परफॉर्मेंस के वक्त आ चुके थे। मैंने जो मोनोएक्ट तैयार किया हुआ था, जो मैंने लिखा भी हुआ था और एक्ट भी किया हुआ था, उसके लिए मुझे अवार्ड मिलता है। फिर मैंने जो स्क्रिप्ट लिखी हुई थी कॉनन के साथ मिलकर, उसको रनर अप मिलता है। सेकंड पोजीशन पर स्क्रिप्ट आती है। प्ले जो रहता है उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए, लाइटिंग इफेक्ट्स के लिए, इन सब के लिए भी उसको अवार्ड मिलता है, जो प्ले हम लोग के ग्रुप वाला रहता है। फिर इसके बाद जो है सेमेस्टर्स खत्म हो जाते हैं, छुट्टी का वक्त जाता है, मैं घर पे आ जाता हूँ। घर पे आने के बाद मेरे अंदर चेंजेस आते हैं, मैं अचानक से, मेरे साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसके वजह से मैं इस्लाम को ज्यादा सीरियसली लेने लगता हूँ। मैं कोशिश करता था हर एक चीज जो अल्लाह ताला ने बोले उसको प्रैक्टिस करूं पूरी तरीके से। मसला होता है क्लब में जाने का है तो कैसे वहां सरवाइव करने का है, दाढ़ी बढ़ाने का है, टोपी लगाने का है, नमाज भी पढ़ने जाने का है तो कैसे हम उधर को एक्टिंग करेगा। खैर वक्त आता है, छुट्टियां खत्म होती है, मैं एमयू वापस जाता हूं। आपको मैं एक चीज बताना भूल गया, ड्रामा क्लब का एक रूल लेता है, जैसे आप एंट्री मारोगे ना वहां पे लड़की हो या लड़का उससे आपको हाथ मिलाना। अब कोई बंदा अगर इस्लाम को ढंग से प्रैक्टिस करता है, बेसिक हराम और हलाल की तमीज होगी, तो उसको पता है कि इस्लाम में गैर महरम को हाथ मिलाना क्या, दूर से देखना भी हराम है, नजरें आपको झुका लेनी। उसी वक्त मैंने एक हदीस पढ़ी हुई रहती है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हुआ रहता है, तुम्हारे लिए अपने सर पे कील ठुकवा लेना ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू कि तुम जाके किसी लड़की से गलती से टकराओ या फिर धक्का गलती से लग जाए, तो हाथ मिलाना तो बहुत दूर की बात है। ये हदीस पढ़ने के बाद मैं हिल गया। उस वक्त हेड रहते हैं ड्रामा क्लब के, वो मेरे पास फोन करते हैं, क्यों भाई आके आना है कि नहीं। मैं कहा जी भाई आता है। मैं उस वक्त सफेद कलर की स्केल कैप भी लगाता था हमेशा, वही टोपी लगाए लगाए मैं घुस जाता हूँ अंदर। मैं उनको बताता हूँ कि भाई देखिए अब मैं ड्रामा क्लब में एज अ मेंबर कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे शरायत है जिनको मैं बदल नहीं सकता। मैं रिवोल्यूशनरी तो हूँ नहीं कि जाके जिहाद करके वहाँ पे सब बदल दूं, कि नहीं हाथ नहीं मिलाना किसी लड़की लड़के को, मैं ही छोड़ देता हूँ, आई नीड टू क्विट। तो मैं जाकर उनको बताता हूँ कि भाई ऐसी सी बात है कि लड़कियों से हाथ मिलाना, उनको देखना, फिर उनके साथ काम करना, ये सही नहीं, इस्लाम की रूह से सही नहीं है, मैं करना ही नहीं चाहता, इसको कर ही नहीं सकता। वहाँ पे जो भाई रहते हैं जाफर अब्बास, काफी मिलनसार रहते हैं, वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ एंड यू कैन क्विट। तो मैं छोड़ देता हूँ। फिर आते वक्त भी जिनको मैं अप्पे बुलाता था, जो सीनियर्स थी, वो आके हाथ मिलाती है। अरे मैंने बड़े मुश्किल से हाथ बिना उठाए निकल लिया। मैं कहा अस्सलाम वालेकुम अप्पी, और अपन कल्टी मार लिया। वो भी कहेंगी बदतमीज नामाकूल, आज मुझसे हाथ नहीं मिलाया, इतना घमंड लगे तेरे अंदर। तो ये सब मसले मसाइल होते हैं जिसकी वजह से मैंने ड्रामा क्लब छोड़ दिया। ए बुद्धू मंडे, तुमसे करेला का तू मंगवाए थे ना, कहाँ है वो? तो मैं भूल गया। भूल गए? अच्छा चलो माना कि करेले की कमी तो तुमसे पूरी हो जाएगी। अगर कद्दू कहाँ है, सब्जी में भी क्या तुम्हें काट के पका दे? कद्दू वाली औरत, तुम्हें दिखता नहीं कहाँ खड़े, चाहे जाए इज्जत का फलूदा बना देती हो। नहीं होंगी तो क्या कर लोगे? कर क्या लोगे? बहुत कुछ कर लेंगे। धमकी दे रहे हो मुझे? ये रीजन है क्यों मैंने एमयू के ड्रामा क्लब को छोड़ दिया, बड़े तमीज और तहजीब से। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके अपने सुझाव दीजिएगा। बाप की अदालत में आप सबको स्वागत है।